एशिया के सबसे अमीर शख्स आज 66 साल के हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी की। जी हां, आज उनका बर्थडे है। देश ही नहीं, विदेश में भी वे अपनी पहचान बना चुके हैं। मुकेश अंबानी कौन है ये बताने की आज कोई ज़रूरत नहीं। ऑयल की दुनिया के बेताज बादशाह हैं मुकेश अंबानी। टेलीकॉम सेक्टर को पलट कर रख दिया है मुकेश अंबानी ने। आज वे एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के 12वें नंबर के सबसे अमीर अरबपति इंसान है। आज हम लोग आपको मुकेश अंबानी के हर एक पहलू से रूबरू करवाएंगे। बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि मुकेश अंबानी का जन्म भारत में नहीं हुआ था। मुकेश अंबानी जब भारत में नहीं जन्मे तो उनका जन्म कहाँ हुआ, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। असल में मुकेश अंबानी धीरू भाई और कोकिला बहन अंबानी के यहाँ जन्मे थे और 19 अप्रैल वो तारीख थी। 1997 में उनका जन्म हुआ था और यमन वो देश है जहाँ वो पैदा हुए थे। उस वक्त यमन की आबादी मात्र 50 लाख थी। अभी यानी मौजूदा समय में यमन की आबादी 50 लाख से बढ़कर 3,17,00,000 से भी ज़्यादा हो गई है। मुकेश अंबानी अपने चारों भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी दुनिया जानती है। हालांकि फिलहाल कारोबारी जगत में उनका सितारा गर्दिश में चल रहा है। अब मुकेश अंबानी की पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई है, आज उस पर भी चर्चा करते हैं। मुकेश अंबानी ने मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के लिए दाखिला लिया था, लेकिन मुकेश अंबानी सैनफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। साल 1980 में यानी आज से 43 साल पहले देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस वक्त इंदिरा गांधी सरकार ने PFY यानी पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए रिलायंस ने भी टेंडर भरा था। उस समय रिलायंस की कमान मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई के हाथ थी। उस समय के नामी कारोबारियों के बीच रिलायंस को ये टेंडर मिल गया था। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी को फ़ोन किया और फैमिली बिजनेस में मदद करने को कहा। उस वक्त मुकेश अंबानी जो कि उस समय सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी MBA की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर वापस आने का फैसला किया। तब से लेकर आज तक मुकेश अंबानी ने अपने पिता से मिली हुई विरासत को काफ़ी आगे तक लेकर आए हैं। अब फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मुकेश अंबानी ने अब तक क्या क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनसे भी आज आपको वाकिफ कराते हैं। मुकेश अंबानी कम उम्र में ही फैमिली बिजनेस से जुड़ गए थे। उन्होंने न केवल पॉलिस्टर प्लांट लगाने में अपने पिता की मदद की, बल्कि रिलायंस को डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप के रूप में स्थापित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी क्रूड ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की, जो मौजूदा समय में प्रतिदिन 6,60,000 बैरल का प्रोडक्शन करती है। जब उन्होंने रिलायंस ग्रुप की कमान संभाली तो उन्होंने इसे एक ग्लोबल यूनिट में बदल दिया। साल 2020 में ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेट फ्री कंपनी बना दिया था। अब मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति करी वो जानिए। साल 2016 में सस्ते टेलीकॉम रेट्स और मोबाइल फोन को लाकर मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर की दुनिया को पलट कर रख दिया। जो टेलीकॉम प्लेयर सालों में नहीं कर सके थे, उन्होंने वो कारनामा कुछ सालों में ही कर दिखाया। आज की डेट में देश में सस्ता इंटरनेट मुकेश अंबानी की जियो की ही देन है। आज जियो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक बन चुकी है। मौजूदा समय में जियो के पास 40 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और जल्द ही इसका IPO भी बाजार में आने वाला है। फिलहाल मुकेश अंबानी का फोकस रिटेल सेक्टर पर है। रिलायंस रिटेल के जरिए उन्होंने रिटेल सेक्टर में एंट्री ले ली है, जहां आटा दाल चावल से लेकर FMCG के सारे सामान बेचे जाएंगे। मुकेश अंबानी की पत्नी का नाम नीता अंबानी है, उन्हें भी दुनिया अच्छे से जानती है आज के टाइम में। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शादी के बाद भी 7 साल तक माता पिता बनने के सुख से वंचित रहे थे। उसके बाद IVF की मदद से 1992 में उन्हें जुड़वा बच्चों के रूप में आकाश और ईशा मिले। इसके बाद अनंत अंबानी का जन्म हुआ। आज ये तीनों बच्चे रिलायंस की बागडोर को संभाल रहे हैं। जाते जाते आपको तीनों बच्चे कौन कौन हैं और कौन से बिजनेस संभाल रहे हैं ये भी बता देते हैं। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल कारोबार को संभाल रही हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी आकाश अंबानी के पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस अनंत अंबानी संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी का सिक्का भारत के साथ साथ पूरे एशिया पर चलता है। मौजूदा समय में वो एशिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं। उनकी कुल नेटवर्थ करीब 82 अरब डॉलर है और वो
एशिया के पहले ऐसे कारोबारी हैं जिनकी दौलत 100 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। उनके बाद गौतम अडानी दूसरे ऐसे कारोबारी रहे जो इस मुकाम को हासिल कर पाए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मौजूदा समय में मुकेश अंबानी दुनिया के 12वें सबसे अमीर अरबपति हैं।